कितने क्वेश्चन किए आपने? 100 के 100 करके आए भैया, क्या बात है, 100 के 100 करके आए। 52 करके आए, काफी अच्छा पेपर था। कैलकुलेटिव टफ आ रही है, नहीं टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव। जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि 30 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। बच्चों से अब सीधे मिलेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन करके आए और पेपर में कौन सा हिस्सा कठिन रहा। तो चलिए मिलते हैं बच्चों के साथ। 52 करके काफी अच्छा पेपर था। अच्छा अच्छा। हाँ, पेपर बहुत अच्छा था। मैथ कैलकुलेटिव थी, समथिंग 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और सब बढ़िया था। और 3 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक उसे चक्रवृद्धि ब्याज का था। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये जो परसेंटेज वाली यूनिट है। हाँ, हाँ, इसमें से क्वेश्चन परसेंटेज का भी कोई? हाँ, परसेंटेज के 3 बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 थे क्वेश्चन, यानी 10 से अधिक प्रश्न थे। SICI परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस 10 क्वेश्चन। और उसमें टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन उसमें थे। बिल्कुल ठीक है। और सब बढ़िया था। अच्छा अच्छा। जीएस में कोई क्वेश्चन याद हो जैसे? हाँ, जीएस में मलाला को कब नोबेल पुरस्कार मिला, किस सन में मिला, नवंबर में 2020 का ज्यादा आ रहा। 2020 का करंट यानी नवंबर, 6 महीने पीछे का 2020 का, जुलाई से लेकर वही, नहीं जुलाई का नहीं बोल सकते, उसमें नवंबर का काफी, नवंबर का यानी बस नवंबर और दिसंबर का आप रिवीजन कर लीजिए, वही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रीजनिंग कैसी क्या रही? रीजनिंग ठीक थी और उसमें मिरर के क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग और हिंदी लड़ू का आया समझ। हाँ वो ठीक है। और हिंदी भी काफी अच्छा है, हिंदी अच्छी आई है, हिंदी में कोई क्वेश्चन याद हो आपको जैसे? हिंदी में वही आप फाड़ना। अच्छा अच्छा। ये पूछा गया लैंग्वेज। हाँ। बिल्कुल। और क्या पूछा गया बता सकते? और हिंदी में ठीक था, मुझे याद नहीं है लेकिन। रिक्त स्थान के कितने क्वेश्चन है? रिक्त स्थान के 5 क्वेश्चन आए। 5 क्वेश्चन रिक्त स्थान के। अच्छा, गद्यांश कैसा रहा? गद्यांश ठीक था, बहुत सरल था। और बता सकते हैं जैसे वाक्य प्रतिस्थापन वाला एक क्वेश्चन है, हिंदी में बहुत पूछा गया 2019 में, इस बार कैसा आया? नहीं इसमें नहीं आया। अच्छा अच्छा। इस बार वर्तनी के कितने क्वेश्चन थे बता सकते हैं? वर्तनी के 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। विलोम मुहावरे, विलोम के 3 थे, विलोम के भी 3 थे, सबके 3-3 समथिंग मान के चलो, सबके 3-3 थे। पेपर रहा कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा, सरल लगा, क्या? मैथ का CISI कठिन रहा। मैथ का CISI कठिन लगा। कितने क्वेश्चन आए CISI के? 2-3 शायद। 3 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और जीएस में कैसा क्या रहा? जीएस में डीप क्वालिटी की जीएस थी, डीप क्वालिटी की क्वालिटी। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आपको याद? एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? यूसुफ मलाला को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अच्छा, यूसुफ मलाला को, पाकिस्तान की जो है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन याद हो जो जीएस का? जीएस का उसकी राजधानी आई थी, बिहार की पटना थी और असम की दिसपुर थी। क्या बात है। और बता सकते हैं जीएस के क्वेश्चन जो? जीएस के क्वेश्चन आपका भी था, बताइए कितने क्वेश्चन किए आपने? जी मैंने फिर 65 की। 65 की? हाँ। फिर कैसा लगा आपको पेपर? सही था, लेकिन था मॉडरेट था, सही था। फिर लेकिन जो मैथ का था उसका फिर मैथ थोड़ा कठिन लगी। हाँ सर। अच्छा, आपका भी पेपर था? बिल्कुल। कितने क्वेश्चन किए आपने? 100 के 100 करके आए भैया, क्या बात है, 100 के 100 करके आए। बिल्कुल। पेपर कह रहे हैं कठिन आया है क्या ऐसा? पेपर जीएस और मैथ थोड़ी हार्ड थी, बाकी सही तो सब कुछ। अच्छा अच्छा। जीएस में कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा, क्वेश्चन कुछ बता सकते हैं? बता दी थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो एक तो फिट इंडिया के यहाँ संस्थापक कौन थे? अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है। हाँ, और दूसरा तो दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा प्रयोग करी गई थी? अच्छा, भाषा का प्रश्न एक आया। हाँ, फिर इसके बाद और बाद बाकी तो करके ही आएंगे, रिजल्ट ही बता देना। रिजल्ट बताएगा है ना। मैथ में अच्छा कौन सा पोर्शन आगे घुमाए दो तो लंबे लंबे होता है मैथ में। क्या बात है, अब तो मैं कर दीजिए, मतलब घर से भगाओ गए सीधे गुड़गांव के ले बहुत यार मार पड़े है अब तो। अच्छा, सही बता रहे यार। क्यों भाई ऐसा क्यों आपको? अब ऐसा ही अंदाज लगा था, मैं 100 के 100 करके आएंगे तो क्या करके आए भैया, मतलब तुक्के लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं है। और आपका भी पेपर था? नहीं, आपका पेपर था नहीं था, आपका था। अरे वाह, बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर 78 हो पाए। सर 78 हो पाए। कहाँ से हैं आप वैसे? हमीरपुर सर। हमीरपुर से। बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा या कोई क्वेश्चन जीएस का आपको याद हो जो बच्चों को बता दें? जीएस का सर एक याद है मुझे। कौन सा? सर वो था 4 जो ऑप्शन थे। हाँ। सर उसमें दिया था कि कौन सा, मतलब कि 1897 के क्रांति वगैरह में शामिल नहीं था। 1857 की क्रांति थी सर। कूका वूका दिए थे, उसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं था, संथाली मुंडारी करके सर, वो कौन सा शामिल नहीं था। अच्छा, कैलकुलेटिव आ रही है सर मैथ, कैलकुलेटिव टफ आ रही है। नहीं टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग है। हाँ, टाइम टेकिंग है। अच्छा अच्छा। तो टाइम मतलब मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा क्या? टाइम मैनेजमेंट मैथ ने टाइम ले लिया ज्यादा, बहुत कम क्या है, बोर्ड टाइम कम है, बोर्ड मास बोर्ड मास के नियम आ रहे हैं उसमें क्या, मतलब लंबे लंबे बोर्ड मास, मतलब नंबर्स का कैलकुलेशन ज्यादा। अच्छा अच्छा।
यानी कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है उससे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। वो हिंदी लेकिन सरल आई, बहुत हिंदी सरल आई, हिंदी का कैसे रीजनिंग भी सरल आई, रीजनिंग भी सरल है और हिंदी भी सरल है, दोनों सरल है। चलिए बहुत सही है। अच्छा आपका पेपर कैसा? पेपर देखे आए, पेपर अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, 85 अटेम्प्ट किए हैं, लगभग हमें 75 के तक पता थे, बाकी डाउट वाले 10 किए हैं। 10 डाउट वाले किए जी सर। मैथ कैसी लगी? कह रहे हैं कैलकुलेटिव है। मैथ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, क्वेश्चन 8-10 के करीब कैलकुलेटिव थे। 8-10 कैलकुलेटिव थे। कौन सा पार्ट आपको लग रहा था मैथ में जो बिल्कुल बच्चों को पढ़ना चाहिए, आखिरी टाइम पे रिवीजन करना चाहिए मैथ में? देखो बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन दो उठा रहे हैं, यानी बोर्ड मार्क्स आप टाइम बेस्ट होगा। अच्छा अच्छा, और क्या आपको लगा जैसे रीजनिंग में कौन सा चैप्टर ज्यादा एलजीएम एसीएफ पूछा था? एसएमएस एसीएफ का आया था, क्वेश्चन इजी था लेकिन सबसे लास्ट में था। अच्छा, अगर बच्चे पहले अटक जाते तो उसे लास्ट में छूट जाता, यानी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एडवांस का कोई क्वेश्चन जो एडवांस के क्वेश्चन दो थे। अच्छा अच्छा, एक बेलन का था। अच्छा, बेलन का क्षेत्रफल दे रखा था। अच्छा अच्छा, ऊंचाई दे रखी थी। बिल्कुल, उसका आयतन पूछा था, मतलब सरल ही था, फॉर्मूले से बेस्ड फॉर्मूले था। और बता सकते हैं एक आयत का था, आयत का परिमाप दे रखा था 80। अच्छा अच्छा, और उसका नहीं 40 था सॉरी, और उसका क्षेत्रफल दे रखा था 72। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे अच्छा हिंदी के क्वेश्चन बता, ऊंचाई पूछी थी वो आराम से हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन बता, हिंदी की गंभीर की गंभीर मतलब शुद्धवर्तनी पूछी थी, शुद्धवर्तनी गंभीर की। बिल्कुल, पारितोषिक की पूछी थी, पारितोषिक पूछी थी। क्या बात है। और जलज का समानार्थी पूछा था, पर्यायवाची कितने पूछे? राजीव था उसमें ऑप्शन में। अच्छा अच्छा, पर्यायवाची कितने पूछे थे वैसे? पर्यायवाची और विलोम से लगभग क्वेश्चन थे 7-8। मैंने आपको बताया था मैराथन क्लास का फायदा, 4 घंटे की कल की मैराथन आप देख सकते हैं जिसमें विलोम सब पर्यायवाची का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे बता रहे हैं 7-8 क्वेश्चन आए, क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, और बताइए मुहावरों से कैसा, क्या शुद्ध वर्तनी थी और जो त्रुटि वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं पूरा बाकी दे रखा होता है, किसमें त्रुटि उसे छाट के लिखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुहावरे के कितने क्वेश्चन थे? मुहावरे के दो थे, छप्पड़ फाड़ना एक आया था। क्या बात है। और छप्पड़ फाड़ के मतलब जवाब देना इस टाइप से था, उसमें हो जाएगा मतलब ज्यादा हानि होती है। और कौन सा मुहावरा वैसे याद हो? तो मुहावरा एक ही था हमारे, एक ही था। 87 किए हैं। कौन सा पोर्शन आपको कठिन लगा आज? आज रीजनिंग का पोर्शन बहुत कठिन। रीजनिंग बहुत कठिन थी। अच्छा, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए रीजनिंग में, बता सकते बच्चों को? क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा नहीं पता है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 75। मैथ कैसी लगी आपको? सर मैथ क्या है ना, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके हिसाब से मैथ तो हार्ड ही है, और जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनके हिसाब से मैथ बहुत ही इजीली आई थी। बहुत इजीली थी, मतलब कह सकते हैं कि मैथ में कर सकते हैं 20+। जी। अच्छा, और जीएस कैसी रही? जीएस तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही थी, जो नहीं पढ़ते हैं जिनका माइंड लो है तो उनका नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिसाब से जीएस ठीक थी। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन जीएस में कोई आपको याद है जो बच्चों को बता सके, रिपीटेड, जैसे इतिहास, इसके बाद भूगोल? हाँ सर, ये एक्चुअली दिल्ली से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था, सल्तनत से जुड़ा जी हुआ। हाँ बिल्कुल। और कौन सा आपको पता है? और एक वहीं से जुड़ा हुआ दूसरा ही क्वेश्चन उसी से, उन्हीं के माध्यम से दिया हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत से दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया। क्या बात है। और बता सकते हैं हिस्ट्री में क्रांतियों से संबंधित प्रश्न जो पूछे? नहीं सर, क्रांतियों से संबंधित तो हमें 1857 की क्रांति, इससे रिलेटेड नहीं, 1900 के ऊपर पूछा गया है, 1887 के नीचे नहीं पूछा।